दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं अमन कौर सिंह फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का YouTube चैनल ऑनलाइन किसान में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेलीगेट जो इंसेक्टिसाइड आती है, कीटनाशक आती है। बहुत से किसान इसका नाम सुने भी होंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक है। तो इसके बारे में हमें आज पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो इसमें कौन सी टेक्निकल होती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, इसकी प्राइस क्या होती है, और ये कौन कौन से कीटों को मारने में हमारे लिए सक्षम है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। साथ साथ इस चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, क्योंकि ये डेलीगेट जो दवाई है बहुत ही कॉस्टली दवाई है और ये बहुत ही कारगर दवाई है, क्योंकि ये सकिंग व बाइटिंग काटने वाले चूसने वाले दोनों प्रकार के कीटों को मारने में सक्षम है। तो ये एक प्रकार के ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड है जो हमारी बेनिफिशियल जो इंसेक्ट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये हमारे लिए एक बेहतर विकल्प होगा क्योंकि ये बेनिफिशरी जो इंसेक्ट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके टेक्निकल नाम की। तो इसकी टेक्निकल नाम है स्पाइनोटेरम 11.7% SC फॉर्म में ये दवाई आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो किसान भाइयों, इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये स्टमक पॉइजन इंसेक्टिसाइड है। स्टमक पॉइजन एक प्रकार की, जब हम दवाई का स्प्रे हम पौधों में लेते हैं तो पौधे पत्तियों की सहायता से पूरे पौधों की जो सिस्टम में घुल जाती है। तो उसके बाद जब चूसने वाले कीट या सकिंग पेस्ट जब आते हैं तो पत्तियों की रस को चूसते हैं, जिससे जो रस है उनके स्टमक में जाती है और उसके स्टमक को जो फेल कर देती है या नष्ट कर देती है। और उसी प्रकार जैसे काटने वाले जो कीट है उसके लिए भी ये सेम मोड ऑफ एक्शन से ये काम करती है। तो आप जान के होंगे कि मोड ऑफ एक्शन ये कैसे काम करती है, ये स्टमक को सीधा ब्लॉक कर देती है। तो अब बात करते हैं इसके ये कौन कौन से कीटों को मारती है। तो किसान भाइयों, ये लगभग सकिंग व बाइटिंग मतलब चाबने वाले व रस चूसने वाले कीटों को मारने में सक्षम है। जितने भी प्रकार के लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट्स आते हैं इसके अंतर्गत, इल्ली है, बहुत प्रकार की जितनी भी प्रकार की इल्लियाँ आती है। इसके अलावा सकिंग पेस्ट में आपका आ जाएगा थ्रिप्स, एफिड, जेसिड, वाइट फ्लाई, जितने भी आते हैं जो सकिंग पेस्ट में चूसने वाले, रस चूसने वाले। तो इन सभी कीटों को मारने में ये बहुत ही कारगर साबित हुए किसान भाइयों। अब बात करते हैं इसकी अगर डोज की, तो जो डेलीगेट है वो हमें 180 ml 200 लीटर वाटर के लिए रिकमेंड करती है कंपनी। बात करें अगर आपकी फसल में अगर सकिंग पेस्ट, रस चूसने वाले व काटने वाले कीट, दोनों प्रकार की इल्ली व चूसने वाले कीट अगर अधिक मात्रा में आपके पौधों में है तो इसके लिए डोज आप 180 ml रखेंगे। और अगर सिंगल जब चूसने वाले कीट है, सकिंग पेस्ट है, तब इसके लिए डोज आप 100 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए दवाइयों का डोज अलग अलग होगा किसान भाइयों, इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट टाइम की। तो कितने दिनों तक इसकी रिज़ल्ट हमें अपनी फसलों में देखने मिलती है, तो इसकी रिज़ल्ट हमें लगभग 30 दिनों तक पौधों में देखने मिलती है। ये 30 दिनों तक हमारे फसलों को कीटों से बचा कर रखती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो ये आपके मार्केट में अलग अलग प्राइस में उपलब्ध होगी, क्योंकि ये लगभग आपको 1800 से 1900 एकड़ के हिसाब से ये मिल जाएगी। रेन फास्टनेस की बात की जाए तो इसके स्प्रे करने के दो घंटे तक अगर बारिश नहीं होती है तो इस दवाई का रिज़ल्ट आपको अच्छा देखने मिलेगा। किसान भाइयों, जो डेलीगेट जो आती है कोटेवा एग्रोसाइंस की, तो उसको हम कौन कौन से फसलों में डाल सकते हैं। तो बेसिकली इसकी बात करें तो हमें सभी प्रकार के सब्जी वर्गीय फसलों में किसान इसका यूज़ करते हैं। और कंपनी की बात की जाए तो कंपनी इसको रिकमेंड करती है आपको कॉटन में, चिली में, सोयाबीन में और कॉर्न में। तो आप इसको सभी प्रकार के फसलों में, धान में, पैडी में भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल में भी इसका अच्छा खासा यूज़ किसान भाई करते हैं। तो दोस्तों, आपने डेलीगेट की पूरी जानकारी जान ली होगी। लास्ट में एक बेसिक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, जो डेलीगेट है वो जब टेम्परेचर आपके वातावरण में अधिक रहेगी
या फसलों में टेम्परेचर अधिक रहेगी तो उस अवस्था में आप इसका स्प्रे लेने से आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अधिक टेम्परेचर में इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखना नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप जब भी इसका स्प्रे ले डेलीगेट का, तो इवनिंग के टाइम में या शाम के समय या जल्दी सुबह के समय कोई भी अच्छी चिपको के साथ स्प्रेडर के साथ ले सकते हैं। और बात कर रही इसकी जो डेलीगेट जो है ट्रांसलेमिनर एक्शन के साथ काम करती है, तो ये जब कोई भी कीट हमारे पत्तियों के नीचे रहती है, जैसे थ्रिप्स है, एफिड है, जेसिड है, इस प्रकार की जो चूसने वाले जो सकिंग पेस्ट है, इंसेक्ट है, वो पत्तियों के नीचे ज़्यादातर रस को चूसती है, तो इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये ट्रांसलेमिनर एक्शन के साथ काम करती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो लाल करके सब्सक्राइब के बटन नीचे आ रहा हो उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करके और भी किसानों तक इस जानकारी को आप पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।